हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको एजुकेशन के फिफ्थ सेमेस्टर के एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। चैप्टर नंबर 1 विविधता और अक्षमता, इसके हम बताएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिसका प्रश्न नंबर 1 आया वो आता है कि विकलांगता से क्या तात्पर्य है। विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित विकलांगता के प्रमुख मॉडलों की व्याख्या कीजिए। तो पहले पूरा उसको डिस्कस कर रहा है कि विकलांगता किसे कहते, क्या तात्पर्य है उससे, पूरा उसको डिस्कस कर रहा है। देखिए गाइस, देखिए हम पूरा पढ़ के नहीं सुनाएंगे। हमने पॉलिटिकल साइंस के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उसमें भी हमने पूरा नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो आप प्लीज़ खुद पढ़ लीजिएगा। हम PPT बहुत स्लो चलाएंगे। हमने डिस्कस तो एक्सप्लेन तो वीडियो के चैप्टर वाइज जो हमने वीडियो बना रखी है उसमें कर रखा है, लेकिन अब हमारा जो मतलब इंटेंशन है वो है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना, माइंड से क्लियर करना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, माइंड में क्लियर कर देना कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। फिर आता है विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित विकलांगता के मॉडल। मॉडल के बारे में बताया गया है पूरा। चरित्र आधारित मॉडल पूरा एक्सप्लेन किया गया है। पारंपरिक धार्मिक मॉडल इसे ही पर एक्सप्लेन किया गया है। सामाजिक मॉडल शताब्दी से उभरा इसे ही पर एक्सप्लेन किया गया है। मानव अधिकार मॉडल, फिर यहाँ पर आकर ये क्वेश्चन का आंसर है फिनिश होता है। अब आते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2, विकलांगता को परिभाषित करें। RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार विभिन्न प्रकारों की क्षमताएँ क्या हैं। अथवा ये क्वेश्चन अलग भी तरीके से आ सकता है, विकलांगता के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो होगा ये मतलब सेम ही आंसर होगा दोनों का। तो इसका जो आंसर है वो देख लीजिए। पहले उसको विकलांगता को परिभाषित किया है, पूरी परिभाषाएँ बताई हैं उसकी। फिर विकलांगता शिक्षा अधिनियम IDEA बताया है पूरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में बताया है, पूरा डिस्कस करा गया है इसको। फिर बताया विकलांगता व्यक्तियों के अधिकार पर कन्वेंशन की प्रस्तावना CRPD 2006 के बारे में सब बताया गया है। फिर विकलांगता के प्रकार आए हैं, विकलांगता कितने प्रकार हैं, 21 प्रकार हैं। फर्स्ट अंधापन, लो विजन, किश से ठीक व्यक्ति, बहरापन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बोनापन, बोंधिता क्षमता, पूरा डिस्कस करा गया है उसको, देख लीजिए डिफाइन करा हुआ है पूरा। मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉलिसी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, पूरा इसको भी डिफाइन किया गया है। विशेष सीखने की अक्षमताएँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वॉक और भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सर्कल सेल रोग, बहुविकलांगता जिसमें बधिर अंधापन भी शामिल है, एसिड अटैक पीड़ित, प्रोक्सिस रोग। तो ये 21 पर जाकर ये आंसर हमारा फिनिश होता है। बात है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है वो है विकलांगता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करें। अथवा ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी आ सकता है, वो ये है कि भारत में ऐतिहासिक रूप से विकलांगता की समझ में कैसे उभरी, वर्णन करें। तो दोनों का आंसर हमारा सेम ही होगा गाइस, देख लीजिए इसको आंसर को। प्राचीन भारत में विकलांगता की अवधारणा के बारे में बताया है पहले, पूरा उसको डिफाइन किया गया है। पूरा डिफाइन किया है। मैं PPT बहुत स्लो चला रही हूँ, प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ लेना पूरा। अब आता है हमारा पश्चिमी समाज में विकलांगता की अवधारणा, उसको पूरा डिफाइन किया गया है। स्वतंत्रता के बाद विकलांगता की अवधारणा, स्वतंत्रता के बाद जो विकलांगता की अवधारणा थी उसको पूरा डिफाइन किया गया है। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल की विवेचना कीजिए। अथवा ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है, विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए किस तरह के स्कूल होने चाहिए। दोनों का आंसर सेम ही होगा। पूरा डिफाइन किया गया है इसको, देख लीजिए आप। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, डॉकर फ्रेमवर्क फॉर, ये सब बताया गया है इसी में।
फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 5, क्या आपको लगता है कि लिंग और विकलांगता समाज में विकलांग महिलाओं के लिए दोहरा भेदभाव पैदा करती है? अपने जवाब का औचित्य साबित करें। उसको पूरा डिफाइन किया गया है। देखिए गाइस, ऊपर पेज नंबर 17 ये सब ना सभी पेज पे पेज नंबर लिखे होंगे, तो जैसे कि हम बाद में अगर पढ़ते हैं सैंपल पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इसका आंसर इस पेज नंबर पे, तो आप ऐसे पेज नंबर सर्च करके देख भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 आता है हमारा, विकलांगता अध्ययन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। विकलांगता अध्ययन की उपयोगिता बताया गया है पूरा पहले। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 7, विविधता और विकलांगता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विविधता को विकलांगता के रूप में संबोधित करने में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए विभिन्न कारकों को बतलाइए। पहले विविधता के बारे में बताया गया है, पूरा डिफाइन किया गया है। फिर विकलांगता विविधता के बारे में बताया गया है, फिर उसको पूरा डिफाइन किया गया है। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। बहुविकलांगता और विकलांग लड़की के संबंध में UNFEI की प्रतिबद्धता। तो पहले बहुविकलांगता को बताया गया, पूरा डिफाइन किया गया है। फिर बताया खा वाला इसका विकलांग लड़की के संबंध में UNFEI की प्रतिबद्धता, उसको पूरा डिफाइन किया गया है। तो गाइस यहाँ जाके ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के कम्प्लीट होते हैं। गाइस आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा गाइस मोटिवेशन और बढ़ेगा और हम आपको अच्छे से पढ़ाने की मोटिवेट होंगे। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही।